अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं और जब भी नए न्यूज़ अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो अब शुरू करते हैं। पीतमपुर पुलिस ने किया जघन्य हत्याकांड का खुलासा। दो दिन पूर्व हुई थी वृद्ध महिला की हत्या। लुटेरों ने वृद्ध महिला की हत्या पे पूर्व कट दिया थे। पांव में पहनी हुई चांदी के कड़े और आभूषण लेकर हो गए थे लुटेरे फरार। महज 48 घंटे में ही पुलिस ने सुलझाई ये हत्याकांड की गुत्थी। हत्या का दल का मास्टरमाइंड निकला कालूगी बेटा। बेटे ने ही रची थी माँ की हत्या की साजिश। पीतमपुर पुलिस कप्तान ने प्रेस वार्ता में किया खुलासा। औद्योगिक नगरी पीतमपुर के ग्राम खंडवा में दो दिन पूर्व हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। कलयुगी बेटे ने मां की जघन्य हत्या की साजिश अपने दोस्त के साथ रची थी। योजना को जिस तरीके से अंजाम दिया गया था वो खतरनाक था। कौशल्या बाई नामक वृद्ध महिला की दोनों पांव के काट कर पांव में पहनी हुई चांदी के कड़े मंगलसूत्र कान की बाली लूट कर हत्या हो गई थी। पीतमपुर पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए एक टीम गठित की और जाँच शुरू कर दी। महज 48 पुलिस पहुंच गई। जब पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की तो चौंकाने वाला मामला सामने आया। जब कलयुगी बेटे अपनी मां की हत्या की साजिश रची थी, महज कुछ रुपयों के लालच में अपनी मां की हत्या करवा दी। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतिका के थाना में खंडवा था गाँव से सूचना 24 तारीख को सुबह मिली थी। वहाँ कौशल्या नाम की बुजुर्ग महिला है, उनकी हत्या कर दी गई है और उनके पैर काट करके उनकी जो चांदी की कड़ी थी वो बदमाश ले गए। इस सूचना पर सारा जो है सभी जिले में सभी संभावित स्थानों पर नाकेबंदी कराई गई थी और हम लोगों ने पुलिस दल ने वहाँ पे पहुँच के घटना स्थल का जो मुआयना किया था, सभी बिंदुओं को जांच में शामिल करते हुए हम लोगों ने उसमें जाँच शुरू की और जांच में ये निकल के आ रहा था कि कोई जानकार व्यक्ति या जिसको पूरा घर का नॉलेज है और चीज़ों का नॉलेज है वही इस घटना को किया होगा, ऐसी हम लोगों को हमारा विश्वास था। इस तो इस एंगल को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने गांव में ही जो मृतका का छोटा लड़का था रंजीत उससे पूछताछ की थी। इनिशियली उससे पूछताछ करने में वो काफ़ी चीज़ें ऐसी आ रही थी जो परस्पर विरोधाभासी थी। जितेंद्र इसका जो एक साथी है रंजीत का, उससे भी हम लोगों को जो है पूछताछ में कई चीज़ें कंट्राडिक्टी मिली। जब हम लोगों ने इनसे बारीकी से पूछताछ की और जो भी कंट्राडिक्शंस आ रहे थे इसके बारे में इनसे पूछा तो ये जो है बार बार झूठ बोलते रहे और कोई सही जवाब नहीं दे पा रहे थे। घटना स्थल के पास में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उससे भी हम लोगों को इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थी और उसके आधार पर हम लोगों ने जब इनसे पूछताछ की तो फिर ये लोगों ने इस बात को पूरा स्वीकार किया बताया। इसमें निकल करके ये आया है कि जो रंजीत है उसका उसकी माँ से बहुत ज़्यादा संबंध ठीक नहीं था और ये और इसका जो साथी जितेंद्र है दोनों साथ में बैठ के शराब वगैरह पीते थे और जितेंद्र पे काफ़ी कर्जा भी हो गया था। तो इसी दरमियान इन दोनों की कार्य योजना बनी कि कोई घटना करनी है। तो रंजीत ने अपने दोस्त से कहा कि तुम मेरे घर में ही कर लो और जो भी मिलेगा उसको तुम ले लेना और बाकी जो प्रॉपर्टी वगैरह होगी वो फिर बाद में मैं अपने नाम से करा। इस तरह से दोनों की कार्य योजना बनी थी। सवेरे दोनों ने मिल करके अपनी माँ का पहले गला था और उसके बाद फिर जो है धारदार हथियार से उसके माता के अपने पैर काटे और उसका जो भी कड़े थे और मंगलसूत्र थे चैन की कान के झुमके थे ये सब ले गए। ये सारा सामान वहीं पे जितेंद्र ने अपना जो इसका भैंस बांधने का कोठा था वहाँ पर छुपा रखा था और घटना में जो हथियार था वो भी छुपाया हुआ था। ये सारी चीजें जो है इनसे उनके निशादेही पे बरामद हो गई और आरोपियों को गिरफ्तार करके लोग आगे की कार्रवाई करते हैं। उसके कड़े निकाल लिए हैं। ये इनिशियली यही सूचना है तो
पुलिस सूचना पे थाना प्रभारी और थाना प्रभारी ठीक है।